Hello everyone, I am Dr. Abhinav Gupta. I am a consultant gastroenterologist and hepatologist at Narayana Multispeciality Hospital, Jaipur. Today we are here to talk about fatty liver, which is a very growing concern in our society. More than 50% आप देखेंगे तो 40 to 50% लोगों के अंदर 100 में से नॉर्मल रूटीन पॉपुलेशन के अंदर ये बीमारी पाई जाती है. एज इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सो एंड इट्स ग्रोइंग डेली. एंड विद जो अपन जिस तरह से डाइट अपन लेते हैं विद अ हाई कैलोरी डेंस डाइट, तो उसके कारण डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी का प्रेवलेंस जैसे ही बढ़ा है, उसके कारण ये नई बीमारी लिवर के ऊपर आई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसका भी प्रेवलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में बढ़ा है. अब ये जो बीमारी है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है. अब इसके कारण इसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट्स के तरीके, पेशेंट्स रूटीनली मोस्ट कॉमनली जो रूटीन फॉलोअप टेस्ट के अंदर करवाते हैं तब उसके अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर सोनोग्राफी के अंदर पेशेंट आता है बोलते हुए कि हमें फैटी लीवर है. पर उसके अलावा और क्या तकलीफ़ें हो सकती है मरीज़ को? पेशेंट को तकलीफ़ें, पेट दर्द हो सकता है, हल्का हल्का धीरे धीरे लंबे समय से पेट दर्द चल रहा है, वेट गेन हो सकता है, या फिर खाने में दिक्कत आ सकती है. ये सब दिक्कतें हो सकती हैं मरीज़ को अगर फैटी लीवर है तो. पर इसके अलावा इसके और क्या टेस्ट हैं जिनसे हम इनको पता कर सकते हैं कितनी ग्रेडिंग है? कई के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं, और आगे या फिर अपन एक फाइब्रोस्कैन नहीं एक मशीन आई है जिससे अपन इसको ग्रेड कर सकते हैं कितना सीवियर है और किस लेवल पे है और अपन को कितना ज़्यादा उसको सीरियसली लेना चाहिए, वो कर सकते हैं फाइब्रोस्कैन टेस्ट से. फिर इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में, एज सब जानते हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये अपने खुद की ही लाइफस्टाइल की वजह से आई है. तो अपन अगर अपन लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, लाइक वेट रिडक्शन, कॉफ़ी इनटेक बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं. फाइबर इनटेक डाइट में ज़्यादा करने से ठीक हो सकती हैं. वरना अगर नहीं हो पा रही हैं या फिर आपके लीवर में इसके कारण सूजन आ रही है तो उसके कारण बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो आप करवा सकते हैं जिससे ये ठीक हो सकता है. इसके बाद इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको इन्होंने फैटी लिवर को नेशनल प्रोग्राम में इनकल्केट किया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट डीड एंड they have promoted, and we are also telling all the youths and adolescents about the awareness about the fatty liver and what are the lifestyle changes should be there to reduce the prevalence of fatty liver in India, जिससे आगे इसके कारण जो fatty liver की होने वाली समस्या हैं, जैसे liver खराब होना जिसको liver cirrhosis बोलते हैं, या liver का cancer होना जिसको hepatocellular cancer बोलते हैं, वो हम बचा सकते हैं. Thank you.